अलेक्सा, टर्न ऑन एग्जॉस्ट फैन। ओके। अलेक्सा, टर्न ऑफ एग्जॉस्ट फैन। ओके। अलेक्सा, टर्न ऑन एक्वेरियम लाइट। ओके। अलेक्सा, टर्न ऑफ एक्वेरियम लाइट। ओके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ट्रैकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी एक अमेजन एलेक्सा एको डॉट है तो कैसे आप अपने अमेजन एलेक्सा एको डॉट को अपने स्मार्ट प्लग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसके थ्रू आप इनको कमांड देके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास दो स्मार्ट प्लग्स हैं। ये विप्रो का 16 एम्पेयर का प्लग है स्मार्ट प्लग, और ये विप्रो का 6 एम्पेयर का प्लग है। ठीक है, तो स्मॉल अप्लायंसेस के लिए जैसे कि टीवी हो गए या दूसरा कुछ छोटे मोटे अप्लायंसेस के लिए आप इस 6 एम्पेयर के प्लग को यूज़ कर सकते हो, और वही अगर आपको बड़े अप्लायंसेस यूज़ करने हैं जैसे कि एसी या तो फिर गीज़र और इंडक्शन, तो उसके लिए आपको ये 16 एम्पेयर का प्लग यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको मतलब कोई भी स्मार्ट प्लग एलेक्सा के साथ कनेक्ट करने के लिए जो आपको करना है वो है आपका जो भी ब्रांड का स्मार्ट प्लग है। ठीक है, जैसे कि मेरा विप्रो का है, तो आपको क्या करना है, उसका जो ऑफिशियल ऐप आता है पहले आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने स्मार्टफोन पे। ठीक है, और उसके बाद वो ये जो स्मार्ट प्लग है इसको ऑफिशियल ऐप के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, वो पहला प्रोसेस आपको क्या करना है वो पहले कंप्लीट कर लेना है। तो क्या होगा कि आपका ये उसका मतलब उस पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो स्टेप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सेम स्टेप आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो ये जो स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारे मतलब कोई भी ब्रांड का अगर आपका स्मार्ट प्लग है तो वो सेम रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। इसके लिए सबसे पहले इसे पावर देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर जैसे प्लग पॉइंट जो दिख रहे हैं यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ। ओके, और फिर इससे मैं इसके चार्जर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, सो दैट मैं तो ऑन कर देता हूँ, सो दैट जब जब ये ऑन हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाए ये ऑन हो चुका है। अब हमें अपने स्मार्टफोन को लेना है और फिर उसमें सबसे पहले मैं आपको विप्रो का ऐप शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10 एम्पियर स्मार्ट प्लग है, इसको मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। फिर यहाँ से अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो जैसे मैं अगर इसको पावर ऑन करता हूँ यहाँ से, तो जैसे देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये चार्ज हो रहा है मतलब ये परफेक्टली वर्किंग कंडीशन पे है। ओके, इसके बाद मैं अगर यहाँ से इसको ऑफ करूँगा तो यह हो जाता है। तो मैंने पहले विप्रो का ऐप इंस्टॉल करके स्मार्ट प्लग को कन्फिगर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि विप्रो के ऐप के साथ स्मार्ट प्लग को कैसे कन्फिगर करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए सबसे पहले मैंने ये 10 एम्पीयर्स के प्लग को कॉन्फ़िगर किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अमेज़न एलेक्सा का ऐप ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें डिवाइसेस में क्लिक करना है, ऑल डिवाइसेस में जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मार्ट बल्ब 5G 7W है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था पहले अगर कैसे आप अपने अलेक्सा को स्मार्ट बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हो कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहीं यहाँ ऊपर में यहाँ पे कहीं अपीयर कर रहा होगा, अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। सिमिलरली मैंने ऊपर में एक टीवी का भी वीडियो बनाया, तो कैसे कि आप अपने अलेक्सा को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो वो भी मैंने एक उसके लिए भी वीडियो बनाया, वो भी कहीं ऊपर में यहाँ पर अपीयर कर रहा होगा। इस वीडियो के लिए सबसे पहले हमें अपने स्मार्ट प्लग को कनेक्ट करने के लिए ये ऊपर में जो राइट साइड में प्लस आइकन है उसे क्लिक करना है, ऐड डिवाइस, एड डिवाइस। उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है प्लग। ठीक है, यहाँ प्लग दिख रहा है। उसके बाद जो भी ब्रांड का आपका स्मार्ट प्लग है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं विप्रो सिलेक्ट करता हूँ, विप्रो। उसके बाद हमें यहाँ पे ये पूरा डाउनलोड विप्रो ऐप एंड यूज द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू एट द डिवाइस। तो अगर आपने पहले विप्रो का ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा तो फिर यहाँ से आपको वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ये स्टेप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले बोला था आपको कि पहले आप ये जो ऐप है मतलब विप्रो का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लो, जो भी ऑफिशियल ऐप रहेगा आपका उसको आप पहले इंस्टॉल कर लो और फिर उसके बाद ये सेम प्रोसेस रिपीट करना। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर विप्रो ऐप पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस हाइपर लिंक पर, तो ये मुझे प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो ये पहले ही करके रखा है इसलिए मैं यहाँ से आके नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, डिस्कवर डिवाइसेस।
अभी से थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। विप्रो के ऐप में मैंने 2 स्मार्ट प्लग कॉन्फ़िगर किए थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम डेढ़ घंटे डिवाइस 10 एम्पियर को सिलेक्ट करते हैं सेटअप डिवाइस। ये मैं इसको वेरी जीनियर प्लग बेडरूम में सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं इसे स्किप कर लेता हूँ। कंटिन्यू, और ये गाइस आप देख सकते हैं ये हो चुका है कनेक्ट। तो गाइस अब जाके इसका जो नाम है, नाम को पहले चेंज कर लेते हैं, वरना अलेक्सा डिवाइस के नाम पे मतलब 10 एम्पियर स्मार्ट प्लग बोलना बहुत ही बड़ा होगा, तो इसे सिर्फ स्मार्ट प्लग कर लेते हैं। ठीक पे क्लिक करते हैं, स्मार्ट प्लग हो चुका है, अभी तो बैक कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट प्लग। ओके, चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको कोई और नाम भी दे सकता हूँ, मैं जो चाहे नाम दे सकता हूँ इसको। अगर मैं इसको किसी एक्वेरियम लाइट्स में लगाता हूँ, ठीक है, हम ऑटोमेट करने के लिए, तो मैं अगर इसका नाम एक्वेरियम लाइट्स दे दूँ, तो अगर मैं अलेक्सा को बस वही ऑन करने बोलूँ, जैसे टर्न ऑन एक्वेरियम लाइट्स, तो अलेक्सा वो एक्वेरियम लाइट्स को ऑन कर देगी, ठीक है। तो जो भी चाहे नाम आप अपने स्मार्ट प्लग को दे सकते हो उसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे ऑफ करने बोलते हैं। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट प्लग। ओके, दे सकते हो, ये इसको अच्छे से कनेक्ट कर रहा है और ऑन ऑफ कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बी से बाय बाय।